हेलो फ्रेंड्स, वन शॉट डिफेंस एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस चैनल पे तीन वीडियोस की सीरीज़ आ रही है, जिसमें पहले वीडियो में आपने देखा कि मैंने अपनी जो नेवी में सिलेक्शन की प्रोसेस था उसके बारे में आपको बताया, और उसके बाद सेकंड वीडियो में जो नेवी या एयरफोर्स के फिज़िकल को क्लियर करने के लिए टिप्स दिए, और हम आज थर्ड वीडियो में देखेंगे हिमांशु सर का इंटरव्यू। अब काफ़ी सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि एक बार हिमांशु सर, जिन्होंने तीन बार एनडीए क्लियर किया है, वो जानना चाहते थे कि मतलब क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई इतनी बार एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आज हम उन्हीं से उनके सारे टिप्स जानेंगे जो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए मिलते हैं हिमांशु सर से। हेलो सर। हेलो सर। सर, तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे नए जुड़े हैं अभी और जो नई वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है और मैं हरियाणा में गुड़गांव से हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैंने अभी CDS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और SSB की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने तीन बार NDA एग्ज़ाम क्लियर किया और आखिरी में कॉन्फ्रेंस तक गए, और उसके साथ साथ अभी आपने CDS का भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उसकी SSB की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, आपको मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको मतलब NDA या फिर CDS में डिफेंस फोर्सेज के लिए करना है? सर, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में बताया था कि आपका भी डिफेंस में जाना कोई फिक्स नहीं था, तो ऐसे ही कुछ मेरी स्टोरी है कि मेरा कुछ ऐसा प्रेफरेंस नहीं था कि डिफेंस में जाना है। जब मैंने 11th में मेडिकल साइंस ली, तो उस टाइम मेरा जो ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनने का था, लेकिन उस टाइम बहुत से स्टूडेंट्स जो नॉन मेडिकल के थे, उन्होंने NDA का एग्ज़ाम दिया था, तो तब मेरे को पता चला था कि भाई डिफेंस में एक एग्ज़ाम होता है NDA का, उससे ऑफिसर बन सकते हैं। तो तभी से मैंने सोचा कि भाई मेरे को मेडिकल के साथ साथ एडिशनल मैथ लेना चाहिए और मेरे को भी NDA की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपने एडिशनल में मैथ्स लिया था, सर, तो उसको मैथ्स को साथ साथ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? दिक्कत तो आई सर, जैसे क्या होता है कि जिस जो पीरियड बायोलॉजी का होता है वही पीरियड मैथमेटिक्स का होता है, तो हमें बायोलॉजी की क्लास में जाना होता था। कभी कभी जैसे टीचर एब्सेंट हो गए तो मैथ क्लास में बैठ जाते थे, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था, तो कुछ ऐसे दोस्त थे जो पढ़ने में ठीक थे, उनसे थोड़ा बहुत मैथ सीख लिया था, और 11th में पासिंग मार्क्स से मैं पास हुआ था, ज़्यादा कुछ अच्छे मार्क्स नहीं थे। लेकिन फिर 12th में आए तो 12th बोर्ड की थी, तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ा मैथ्स में, तो उस टाइम ठीक तैयारी थी मैथमेटिक्स की और अच्छे मार्क्स भी आ गए थे। लेकिन जब मैंने NDA का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो इतनी कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन थी नहीं मैथ की, तो फिर मैंने जैसे 2016 में 12th कंप्लीट की थी, तो मैंने एक साल ड्रॉप किया था, और उस साल में मैंने मैथ की अच्छी प्रिपरेशन की थी, और फिर मैंने लगातार तीन अटैम्प्ट्स NDA के क्वालिफाई किए थे जी। सर, तो सर आपने बताया कि आपने एक साल ड्रॉप किया, सर, तो उस दौरान मतलब आप कुछ ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे, मतलब पूरा एक साल इसके डिफेंस की तैयारी के लिए यूज़ किया? नहीं सर, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया था, मैंने वो पूरा साल ड्रॉप ही किया था। मतलब उस टाइम मैंने 16 में जब मेरी जून या जुलाई में 12th कंप्लीट हुई थी, तो फिर मैंने जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था NDA का, वो दिया था, तो उसमें मेरी प्रिपरेशन थी अच्छी नहीं थी। जैसे मतलब हर बच्चा कहता है कि एक बार देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आता है, तो उस तरह का मेरा मोटिव था एग्ज़ाम देने का। लेकिन फिर मेरे को लग गया था कि मेरी मैथ में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो मेरे को एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग से फिर मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया, NCERTs की, फिर डॉक्टर RS अग्रवाल की, पाथफाइंडर की, ये सब बुक्स करके फिर मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई, और उस टाइम मैंने जनवरी से लेकर मार्च के एंड तक मैंने कोचिंग भी ली थी, और मैं दिल्ली रहा था 3 महीने, और फिर मैंने अप्रैल वाला अटैम्प्ट दिया था 2017 का, वो जो अप्रैल वाला अटैम्प्ट था वो मैंने क्वालिफाई किया था। सर, तो आपने बताया कि आपने एक साल ड्रॉप किया, सर, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था कि एक साल जैसे 12th के बाद पूरा मतलब डेडिकेट करना, ग्रेजुएशन नहीं करना, तो उस पर मतलब फैमिली का रिएक्शन क्या था आपका? फैमिली तो यही बोल रही थी कि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि एक साल ड्रॉप करके आप जो आपके साथ कॉम्पिटिटर्स आप उनसे पीछे जा रहे हो। लेकिन मेरे को ये लग गया था कि अगर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लूँगा तो मैं एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊँगा NDA की प्रिपरेशन को और ग्रेजुएशन को। तो मतलब जो बच्चा नॉन मेडिकल का है वो तो मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स ठीक से आता है,
लेकिन जो मेडिकल का स्टूडेंट है वो इतना मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया था। सर तो आपने 3 बार NDA क्लियर किया है, तो सर आप मतलब SSB का भी बहुत एक्सपीरियंस है आपको, तो एक बार अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए कि मतलब आपने कहाँ कहाँ पर SSB दिया और उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 बार NDA क्वालिफाई हुआ है मेरा, तो मैंने 3 SSB दिए हैं। पहला SSB मेरा देहरादून में था जो कि 1 AFSB है, और दूसरा इंटरव्यू मेरा 4 AFSB वाराणसी में था, और तीसरा इंटरव्यू मेरा 31st SSB बोर्ड है जो कपूरथला में वहाँ पे था। तो वहाँ पे 3 SSB थे मेरे, और मैं फर्स्ट में मैं स्क्रीन आउट था और लास्ट के 2 अटैम्प्ट्स में मैं कॉन्फ्रेंस आउट था। सर तो जैसे कॉन्फ्रेंस में आप आउट हुए, तो मतलब उसका क्या रीज़न था कि जैसे कॉन्फ्रेंस में क्लियर नहीं हो पाया, या फिर बहुत बंदों का मतलब मेनली यही होता है कि वो रिटर्न भी क्लियर कर जाते हैं, सब कुछ क्लियर कर जाते हैं, लेकिन आखिरी में उनका कॉन्फ्रेंस में जाकर रह जाता है, और बहुत बंदों के मन में मतलब कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा डर बन गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पूरी हैं और आपने जितने भी टास्क हैं SSB में 5 दिन में बिल्कुल सही किए हैं, तो आप रिकमेंड हो जाओगे। लेकिन कहीं भी कमी रहती है, जैसे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ लास्ट के 2 अटैम्प्ट में, तो कुछ ना कुछ कमी रहेगी, इसलिए मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। अगर हर एक चीज़ होती मेरे अंदर तो मैं रिकमेंड हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा 10 अटैम्प्ट भी ले रहा है SSB क्वालिफाई करने के लिए, कोई बंदा पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर रहा है, तो लगातार इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए एक बंदे के अंदर। जैसे मेरी दूसरी अटैम्प्ट थी कॉन्फ्रेंस की, तो मेरे को लग गया था कि भाई मेरे को जैसे 3 पार्ट होते हैं, साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू और GTO, तो मेरे को लग गया था कि भाई मेरे इस हिस्से में कमी है, तो मैं अगली बार उसको इम्प्रूव करके जाऊँगा, तो वो मैंने इम्प्रूव की। लेकिन 3rd अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो उस चीज़ को खुद से एनालाइज करके कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहिए, और आगे जो अपने SSB के अटैम्प्ट हैं उनको देते रहिए। तो ऐसे मैंने बहुत बंदे देखे हैं जिनका, मेरा एक रिलेटिव है उसका 11th अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था SSB। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 1st अटैम्प्ट में हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके OLQs कंप्लीट आ गए हैं या नहीं। सर ने जैसा कि बताया कि कुछ बंदों का काफ़ी सारे रिपीटेशन के बाद क्लियर होता है, तो उसका मेन यही मोटिव आता है कि कभी मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर एक बार हार गए फिर कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर ट्राई करना है। क्योंकि बहुत बंदे होते हैं सर कि वो एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, बस छोड़ देते हैं, तो सर बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगातार उसमें लगे रहना है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपने 1 साल ड्रॉप के दौरान मतलब कोचिंग ली थी, तो सर आपने रिटर्न की कोचिंग ली थी, तो आप ये बताएं कि मतलब कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मैथ में इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, तो मैंने ड्रॉप किया था 1 साल। तो उस टाइम मैंने मैथ्स को बेसिक से तो कर लिया था, लेकिन कोचिंग की नीड इसलिए थी क्योंकि मेरे को वो ट्रिक्स नहीं आती थी जो NDA में चाहिए। तो फिर जब मैंने कोचिंग ली 2-3 महीने, तो मैंने देखा कि अगर मैं कोचिंग नहीं लेता तो भी अगर सेल्फ स्टडी ठीक से करता तो मैं क्वालिफाई कर सकता था। तो मैं यही कहूँगा जितने भी व्यूवर्स हैं कि कोचिंग इतनी नेसेसरी नहीं है। मैंने इसलिए ली थी तो क्या, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरे को नीड थी कोचिंग की। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी ठीक से करते हैं और जो बुक्स नॉर्मली सब यूज़ करते हैं उनको अगर ठीक से पढ़ लेते हैं, तो कोचिंग की बिल्कुल नीड नहीं है। और जो कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरी GS बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आपने कोचिंग लेकर GS अपनी अच्छी कर ली होगी, इसलिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग लेके भी आप GS में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है UPSC में जो कहीं से भी क्वेश्चन बनाता है। तो कितना भी आप GS पढ़ लो, बहुत कम क्वेश्चन सर आप अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आपको रियल में एग्ज़ाम में NDA के में करना क्या है, इसकी स्ट्रेटजी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वन शॉट डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो वो स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं कि कैसे आप GS को सोल्व ना करके भी NDA को 400+ मार्क्स से इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। जी सर, और जैसे काफ़ी सारा देखा जाता है कि जो SSBs की भी आजकल कोचिंग स्टार्ट हो गई है, कि SSB में जो जो इवेंट्स होते हैं उन सबकी कोचिंग दी जाती है, सर तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? जैसे किसी बच्चे का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, चाहे वह NDA का हो चाहे CDS का हो, तो वो बच्चा फ्रेशर होता है, तो वो YouTube पे वीडियो देख के इतना अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि क्या क्या टास्क होते हैं और उनको कैसे परफॉर्म करना है। एक नेसेसरी हो गया है कि भाई कोचिंग मेरे को लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो चीज़ आगे आती जा रही हैं SSB में, हर एक चीज़ अपडेट होती है, तो जो चीज़ अपडेट होती है वो सबको पता होता है जो वहाँ के
फॉर्मर ऑफिसर्स रह चुके हैं। तो जैसे मैंने कोचिंग सेक्टर 31 गुड़गांव कर्नल डागर एकेडमी में ली थी, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको पता है कि भाई साइकोलॉजी में आपको कैसा परफॉर्म करना है। तो कोचिंग मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि भाई कोचिंग आपको लेनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग बिल्कुल मतलब कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि जो वो सिखा रहे हैं आपको वही करना है। जैसे कर्नल डागर एकेडमी में क्या होता है कि जो कर्नल सर हैं वो काउंसलिंग करते हैं, कोच नहीं करते किसी चीज़ को। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप में वो चीज़ पैदा कर देंगे कि आपको परफॉर्म कैसा करना है। तो जितनी जैसे साइकोलॉजी में आपको स्टोरीज लिखनी होती हैं, तो वो स्टोरीज़ आपको बनानी कैसे हैं सिर्फ वो समझाएंगे, ये नहीं कि ये थीम बता दिया कि यही स्टोरी लिख के आनी है। तो वो तो आपकी कोचिंग अलग ही दिख जाएगी SSB में, और आप रिकमेंड नहीं हो पाओगे। तो वहाँ पे पूछते भी हैं, पर्सनल इंटरव्यूअर भी पूछता है और GTO ऑफिसर भी पूछता है कि आपने कोचिंग ली है या नहीं। तो उस टाइम पे आपको ये बताना है कि मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने सिर्फ काउंसलिंग की है कुछ ऑफिसर से कि भाई मैंने ये पूछ लिया क्या क्या टास्क होते हैं और कैसे उनको परफॉर्म किया जाता है। सर तो जैसे कोई बंदा अगर बोले कि मैंने उन जैसे वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, उनको किसने मान लीजिए कि झूठ बोल दिया कि मैंने कोचिंग नहीं लिया, तो क्या वो मतलब अपने तरीक़ों से पता करवा सकते हैं कि आपने कोचिंग लिया है कि नहीं लिया है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे आपने कोचिंग में किया उस तरह का बिल्कुल सेम परफॉर्म करते हो तो वो आपको पकड़ लेंगे कि आपने कोचिंग की है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से जो कोचिंग में सीखा है अपने दिमाग से उस चीज़ को परफॉर्म करते हो तो वो नहीं पकड़ पाएंगे कि आपने कोचिंग ली है। तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर आप कुछ मतलब अपने एक्सपीरियंस जो मतलब बेस्ट मोमेंट थे आपके SSB के दौरान उसको शेयर कीजिए, कि आपने ग्रुप टास्क में कुछ किया हो या फिर अदर इवेंट्स में, तो मतलब आपके जो लगता है कि आपको मतलब अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए। जैसे पर्सनल इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजी के टास्क होते हैं, वो तो ये मान लो कि इंडिविजुअली टास्क होते हैं, उनमें ऐसा कुछ थ्रिलिंग लगता नहीं है। लेकिन अगर जो जैसे GTO में सर क्या होता है कि टीम टास्क होता है, तो उसमें एक ऐसे एक नारा बोलना होता है कि जैसे भारत माता की जय या वंदे मातरम। तो उसमें जैसे जब पूरी टीम 10 मेंबर्स के एक साथ भारत माता की जय बोलते हैं तो उस टाइम बहुत प्राउड फील होता है। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो हर एक अटैम्प्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और जैसे और भी बहुत, जैसे हम साथ में गेम खेलते हैं, जैसे कपूरथला में हमने टेबल टेनिस वगैरह बहुत खेला था या कैरम वगैरह बहुत खेला था, और मैस में साथ खाना और साथ घूमना बाहर मार्केट में, ये सब अच्छे ही मोमेंट हैं SSB के जो हर एक बंदा शेयर करना चाहता है। सर तो इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे जो बंदा मतलब जो अब फ्रेशर जाएंगे वहाँ पर SSBs के लिए, तो उनके से लिए सर कुछ टिप्स दे दीजिए, मतलब घर से क्या क्या चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि बहुत बंदे उधर जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, कुछ अलग चीज़ें भूल जाते हैं, उनकी वजह से फिर उन्हें दिक्कत होती है उधर। तो एक बार बता दीजिए मतलब क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती है। और जैसे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आपकी जो प्रेफरेंस है, चाहे वो एयरफोर्स की हो, आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, तो उस हिसाब से उनकी साइट पर सब कुछ डिटेल होती है कि भाई आपको ये लेके आना है। जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 40 लेके जाने होते हैं, और 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, अगर आप CDS के हो तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ये सब चीज़ उसमें लिखा होता है कि भाई ये लेके जाना है। और नॉर्मली जो चीज़ें हैं जैसे दो फॉर्मल ड्रेस हो गई, आपकी GTO की ड्रेस हो गई, ये सब आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए भाई ये तो लेके जानी है। और अगर आप ट्रिम करते हैं तो ट्रिमर ज़रूर होना चाहिए, रेजर वगैरह, ये सब चीज़ बिल्कुल, ये तो नेसेसरी चीज़ है। अगर आपने वहाँ पे ट्रिम नहीं किया तो वो अलग ही आपका लुक दिख जाएगा, और वहाँ पे ऑफिसर्स बहुत डांटते हैं आपको कि भाई GTO भी डांटता है और पर्सनल इंटरव्यू भी डांटता है कि आपने भाई शेव क्यों नहीं की। तो शेव तो आर्मी में बहुत पहली चीज़ है कि भाई ये तो होनी होनी चाहिए, और शूज़ पॉलिश होने चाहिए बिल्कुल। मैस में आपको फुल मतलब ड्रेस कोड में जाना है, ये नहीं कि आप चप्पल पहन के चले गए, शूज़ में जाना है, फॉर्मल ड्रेस है तो फॉर्मल शूज़, और GTO ड्रेस में है तो आपको PT शूज़ डाल के जाना है। तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और लेके जानी चाहिए SSB में। तो फ्रेंड्स आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको मतलब SSB में वहाँ पर पहुँच के सेंटर पर कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर आपने बुक्स कौन कौन से प्रेफर करें मतलब तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पूरा मतलब बुक्स का भंडार लगा देते हैं, वो हर बुक में से पढ़ते हैं, फिर खुद कंफ्यूज आता है कि हम किस में से पढ़े किस में से नहीं पढ़े। तो एक बार आप कुछ बुक्स बता दीजिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा जो एस्पिरेंट्स है डिफेंस के उनकी तैयारी के लिए। जैसे सब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है सबको पता है कि भाई अरिहंत की पाथफाइंडर हर एक बच्चा यूज़ करता है, और डॉक्टर RS अग्रवाल जो NDANA की बुक है वो भी हर बंदा यूज़ करता है।
तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको 11th 12th के NCERT करनी चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर RS अग्रवाल और आर्यंत के पाथफाइंडर, ये तीन बुक्स तो बिल्कुल नेसेसरी हैं कि भाई ये तो करनी करनी है। उसके बाद अगर आपको और भी अच्छा परफॉर्म करना है रिटर्न में, तो आप क्या कर सकते हो कि NCERT की एग्जाम्पलर एक बुक आती है, तो NCERT एग्जाम्पलर में क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट दिए होते हैं पेपर में, तो मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है NDA के एग्ज़ाम में उस बुक से। तो NCERT एग्जाम्पलर अगर आपको मिल जाती है तो भाई वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसको कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मैथ में अभी 120 या 150 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं तो आप NCERT एग्जाम्पलर को पढ़ के 200 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जैसे मैंने एक साल ड्रॉप किया था, मैथ्स की अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो उस प्रिपरेशन के दौरान मैंने सब पता किया कि भाई ये चीज़ पढ़ने से आप रियल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो सेल्फ स्टडी करके। बताइए कि जैसे क्या हम कमरे में अकेले बंद हो जाएं, अब एक सारी किताबें भर ले कमरे से और अकेले पढ़ें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि या फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के साथ में तैयारी कर रहे हैं? तो मतलब व्यूवर्स को बताइए कि सर ग्रुप स्टडी का फ़ायदा ज़्यादा है कि मतलब अकेले पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा है? मेरे हिसाब से अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडी अगर आप कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ग्रुप स्टडी आपको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि उसमें आपको SSB में भी हेल्प मिलेगी, कोऑपरेशन की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर आएगी, और सोशल एडजस्टमेंट की भी आपकी जो OLQs हैं वो आपके अंदर आएंगे। दूसरा बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली में रहता था, मैंने 3 महीने कोचिंग की थी, तो उस टाइम जब हॉस्टल में रहते थे हम, तो बहुत से बच्चे थे, तो हम क्या करते थे कि कुछ घंटे तो अपने इंडिविजुअल पढ़ते थे, उसके बाद रात को 9 से 11:30-12 बजे तक हम क्या करते थे, हमने पैसे कलेक्ट करके हमने एक बोर्ड मंगवा लिया था, वाइट बोर्ड, और वहाँ पे जैसे मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा मान लो कैलकुलस अच्छा है, तो मैं कैलकुलस पढ़ाता था सबको, किसी का ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो सबको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था। तो ऐसे हम ग्रुप स्टडी करते थे, उससे क्या होता था कि पहली बात तो कुछ घंटे निकल जाते थे पता नहीं चलता था, अगर एक बंदा इंडिविजुअल पढ़ रहा है तो 8-10 घंटे पढ़ के बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि आप बोर नहीं होंगे, और कुछ घंटे कब निकल जाएंगे वो पता ही नहीं लगेगा, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। लेकिन जब आप बोर हो जाते हैं, मान लो आपने 8 घंटे पढ़ लिया और आप कहते हैं कि थोड़ा और पढ़ूंगा मैं, एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, 2 घंटे और बढ़ा दिए, 2 घंटे बढ़ा के आप आलस में रहेंगे और इतना कुछ आप गेन नहीं कर पाएंगे। आप इनपुट तो करेंगे लेकिन आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, लेकिन ग्रुप स्टडी में आउटपुट बहुत मिलेगा आपको। तो ग्रुप स्टडी अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं जहां आपके हॉस्टल के बच्चे हैं, तो ग्रुप स्टडी मेरे हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए आपको। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे यूट्यूब पे एक सर हैं जो अर्पित सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो सर मतलब ज़्यादातर एस्पिरेंट्स उन्हें मतलब फॉलो करते हैं, क्या सर आपने भी उन्हें मतलब फॉलो किया? सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम इतने यूट्यूब पर चैनल भी नहीं थे कि हम उनसे सीख सकें, और उस टाइम मेरे पास, सही बताऊँ तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, कीपैड फ़ोन था मेरे पास, तो मैंने इतना अर्पित चौधरी सर को फॉलो नहीं किया। जब मैंने SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने एक दो वीडियो देखे थे उनके, लेकिन मैंने रिटर्न के लिए किसी को फॉलो नहीं किया था, सेल्फ स्टडी की थी और जो कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था उसी से मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। जी सर। सर तो व्यूअर्स, यहाँ पे लगभग हिमांशु सर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, जो उनकी जर्नी थी NDA वगैरह की और एग्ज़ाम्स की। अब सर जानते हैं कि आपने जो वन शॉट डिफेंस एकेडमी चैनल स्टार्ट किया सर, तो इसका मोटिव कहाँ से आया आपको? जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने 2017 में कोचिंग की थी, तो उस टाइम मेरे को ये लगा कि भाई जैसे कोचिंग में क्या होता है कि आपसे 2-3 महीने के 20-25 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं, और चाहे उसमें आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को ये लगा कि यार बच्चे 20-30 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मेरे को लगा कि मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका ड्रीम है कि मेरा NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो उनका ड्रीम फुलफ़िल हो सके, इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। और ये चैनल, इस चैनल का बिल्कुल ये मोटिव नहीं है कि मैं चैनल को अच्छे से, मतलब अच्छे से सब्सक्राइबर बन जाएं और फिर मैं पेड कोर्सेज लॉन्च कर दूं, ऐसा बिल्कुल इसका मोटिव नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और एक डिफेंस का एस्पिरेंट हूं, मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूं, जितना मेरे से बन पा रहा है मैं उतना बच्चों को दे रहा हूं अपनी तरफ से, और
जितने मैं क्लासेस लूँगा आपके लिए या जितना ले रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट तो दे रहे हैं लेकिन उसमें आपको एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा। जैसे बहुत से बड़े बड़े चैनल, जैसे अगर मैं नाम भी लूँ तो जैसे मेजर कल्सी क्लासेज है अलाहाबाद में, तो वो क्या कर रहे हैं कि मैंने उनका एक मैथ के टीचर का वीडियो देखा था, तो वो बहुत लंबे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन के। मतलब जैसे सीबीएसई के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं ऐसे सोल्व करवा रहे थे, तो ऐसे सॉल्यूशन की नीड नहीं है हमें। हमें नीड है कि हम एक क्वेश्चन को कितने जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। और जैसे मैंने 3 बार NDA क्वालिफाई किया, तो मैंने एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म किया और कैसे मैंने उस 2.5 घंटे में क्वेश्चंस को सोल्व किया वो मैं अपने चैनल पे बताता हूँ और वैसे ही क्वेश्चंस को सोल्व कराता हूँ। तो यही मोटिव था इस चैनल को खोलने का कि भाई जो बच्चे फ्री में एजुकेशन लेना चाहते हैं और पेड से भी बेहतर लेना चाहते हैं, तो उनके बच्चों के लिए ये यूट्यूब चैनल है। तो सर आपने जैसे बताया कि आपने मतलब हरियाणा से रहने वाले हैं, तो आपका सर आपने 12th और 10th स्टेट बोर्ड से किया होगा सर, तो जैसे काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं और जो काफ़ी सारे मतलब जो स्टेट बोर्ड्स के स्पेशली बंदे होते हैं जो होते हैं कि मतलब वो शुरू मतलब वो हिंदी बोर्ड से पढ़ते हैं, मतलब या तो उनका 10th तक हिंदी बोर्ड रहता है या फिर कुछ का तो 12th तक भी रहता है, या फिर जो 10th से फिर चेंज करते हैं तो इंग्लिश मीडियम आता है, तो उनके मन में एक डर होता है कि हमें इंग्लिश आता ही नहीं है और हम इंटरव्यूज़ कैसे करेंगे, हम ग्रुप डिस्कशन में कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सर क्या मतलब इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कोई बंदा इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से? बिल्कुल सही बात है सर, ये ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा मीडियम हिंदी है और SSB में इंग्लिश की बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये सोच के एग्ज़ाम को मतलब उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। तो भाई ये बहुत गलत बात है अगर आप ये सोचते हो, क्योंकि SSB आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। SSB आपसे ये डिमांड करता है कि आप उस ऑफिसर रैंक के लायक हो या नहीं। अगर आप उसके लायक नहीं हो तो आप रिकमेंड नहीं होगे। तो लैंग्वेज कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, जैसे आप प्रिपरेशन करोगे इंग्लिश वगैरह पढ़ोगे और SSB की कोचिंग वगैरह करो, तो इतनी इंग्लिश तो आपको खुद भी आती होगी, थोड़ी बहुत सीख भी लोगे कि भाई मैं एग्ज़ाम में SSB में परफॉर्म कर पाऊँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा हिंदी मीडियम है और मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठूँ और उसको मतलब आप अपने ड्रीम को मार रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। और अब ऐसे बहुत से बंदे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और SSB को पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इससे आपको नहीं डरना है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। और अगर मैं रिटर्न की भी बात करूँ तो रिटर्न में भी बायलैंग्वल आता है मैथ का एग्ज़ाम, तो और इंग्लिश तो एक ही लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है तो सबको इंग्लिश आती है, और GK वगैरह भी बायलैंग्वल है। तो बायलैंग्वल क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में दे सकें। तो डरना नहीं है, आपको एक मोटो ध्यान रखो कि भाई डरना नहीं, करना है, ठीक है। अगर आप ये दिल में लेके चलोगे तो आप हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और हर एक एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे। तो जैसा कि सर ने कहा कि डरना नहीं है, सिर्फ अपने मंजिल को पाना है और वो चीज़ कर देना है, तो सर ये बताइए कि जैसे अगर कोई बंदा मतलब ग्रुप जो इंटरव्यूज़ हो गया, फिर अगर उस में हिंदी बोल देता है कुछ अगर, या फिर उसके मुंह से गलती से कुछ हिंदी निकल गया, तो उस पे सर क्या उसका रिकमेंडेशन रुक सकता है उस चीज़ से? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि उसका रिकमेंडेशन रुक जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है तो वहाँ पर बहुत से बंदे होते हैं, जैसे एक बहुत सी बड़ी लाइन बोलनी होती है इंग्लिश में, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनके दिमाग में नहीं आ पाते, तो वो उसको हिंदी में बोल सकते हैं और दोबारा हिंदी में उन वर्ड्स को बोल के दोबारा इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू में भी एक फ्रेंड था मेरा जो कि सैनिक स्कूल से पढ़ा था, तो वो बता रहा था कि उसने अपने पर्सनल इंटरव्यू में 40% हिंदी यूज़ की और 60% इंग्लिश यूज़ की और वो रिकमेंड हो गया। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? ये लगाएंगे कि भाई लैंग्वेज आपका मैटर नहीं करती, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं और जब आपको लगे कि अब मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। सर तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपका फ्रेंड सैनिक स्कूल से था सर, तो एक चीज़ अपने व्यूवर्स को और बताइए कि जो मतलब सैनिक स्कूल्स हो गए, मिलिट्री स्कूल्स हो गए, तो उनके बीच में और जो मतलब सिविल स्कूल से आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, तो सर क्या वहाँ पर उनके बीच कोई पार्शियलिटी की जाती है कि एक बंदा सैनिक स्कूल है मिलिट्री स्कूल से, एक बंदा नॉर्मल स्कूल से है, क्या मतलब ऐसा कुछ देखा जाता है उधर कि रिकमेंडेशन में मिलिट्री स्कूल वालों को पहले रिकमेंड करा जाता हो, उनको चॉइस कम दिया जाता हो, तो इसके बारे में बताइए सर व्यूअर्स को। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल गलत है कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो सैनिक स्कूल का बंदा हो चाहे RIMC देहरादून का हो। वो बंदे हमारे साथ ही परफॉर्म करते हैं,
जैसे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट होता है, 10 बंदे या 12 बंदे जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो हमारे साथ ही परफॉर्म करते हैं। अगर जैसे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो रिकमेंड होंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम रिकमेंड हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता कि उनको प्रेफरेंस दी जाए कि भाई आप सैनिक स्कूल से हो तो आपको इतने मार्क्स ज़्यादा मिल गए और आप रिकमेंड हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक ज़रूर रहता है कि भाई SSB सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जो है और जो RIMC में पढ़ने वाला है, उनको वो चीज़ पहले से सिखाई जाती है कि भाई SSB में आपको कैसे परफॉर्म करना है, और बाद में वो कोचिंग भी लेते हैं, तो उनको डबल बेनिफिट होता है कि भाई कोचिंग मिली और स्टार्टिंग से वो उसी एनवायरनमेंट में है, तो उनको बस ये बेनिफिट होता है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। थैंक यू सर। और सर इसके बारे में, सर आप जैसे बताया कि आपने मतलब 12th में आपके पास साइंस भी मेडिकल भी था और नॉन मेडिकल आपका ऑप्शनल में था, मैथ्स ऑप्शनल में था सर, तो क्या मतलब अगर कोई एस्पिरेंट है जिसका मतलब साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो क्या वो NDA के लिए तैयारी कर सकता है, फिर कोई अदर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए? बिल्कुल कर सकता है, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकता है। जैसे NDA के एग्ज़ाम में आता क्या है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, GK और जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो 10th तक किया था सबने पढ़ी होती है, और GK होती है जो जैसे साइंस के बच्चे की है वैसे ही कॉमर्स के बच्चे की है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेन डिफरेंस आता है कि भाई जो बंदा नॉन मेडिकल से उसने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, और आर्ट और जो कॉमर्स का बंदा जिसके कॉमर्स में जिसके पास मैथ नहीं थी, इको थी, तो उसमें डिफरेंस आता है कि भाई उनको मैथ्स इतनी अच्छे से नहीं आती। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको NDA की प्रिपरेशन करनी है तो जस्ट 12th के बाद या आप 12th अपेयरिंग हो तो आपको मैथ्स की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ में अच्छा परफॉर्म करें तो आप NDA को क्वालिफाई तभी कर पाओगे। तो NDA अगर आप दे रहे हो तो उसमें मेन इंपॉर्टेंस मैथ का है, तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हो किसी बैकग्राउंड से हो, बस डिपेंड ये करता है कि आपका मैथमेटिक्स कैसा है। ये सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस के अलावा कोई और है फिर भी आप NDA की तैयारी कर सकते हैं। सर एक और डाउट सब्सक्राइबर्स के मन में है, व्यूवर्स के मन में है, या फिर जो एस्पिरेंट्स उनके मन में है कि जैसे आपने बताया कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बंदे हैं तो क्या वो मतलब अपने रिकमेंड होने के बाद आर्मी के अलावा एयरफोर्स और नेवी में भी जा सकते हैं कि बस वो आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे? जैसे जो आर्ट कॉमर्स का बंदा है वो क्या करता है कि जब NDA का फॉर्म फिल करता है तो अपना प्रेफरेंस आर्मी देता है, क्योंकि वो सिर्फ जिनके पास नॉन साइंस बैकग्राउंड है वो सिर्फ आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, PCM वाले एयरफोर्स और नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होगा कि जैसे आपने बताया कि जनरल साइंस 10th तक की आती है, तो उसमें मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन उसमें 12th लेवल के होते हैं फिजिक्स में, लेकिन अगर आप 10th को ठीक से पढ़ते हो, 10th तक के जनरल साइंस को, तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे आपने अब रिटर्न का एग्ज़ाम दे दिया, किसी कैंडिडेट ने अगर रिटर्न का एग्ज़ाम दे दिया तो उसके जो उसके और उसका रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके उससे लेके और जो SSB की उसकी डेट दी जाती है, तो क्या उस दौरान वो SSB का मतलब तैयारी करके क्या क्लियर कर सकता है वो SSB, या फिर उसे मतलब और मतलब टाइम देना पड़ेगा SSB की तैयारी करने में, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी उसे? तो मेरे हिसाब से जितने मैंने SSB के 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब आप सोच लेते हो कि मैंने NDA की तैयारी करनी है 11th 12th में, तो तभी से आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो आपको SSB में बहुत हेल्प करेगा। अब कैसे चेंज लेके आना है, जैसे सुबह उठना, फिजिकल वगैरह करना, और दोस्तों में रहना, कोऑपरेशन, सोशल एडजस्टमेंट, और कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्कूल में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना हो या कोई कंपटीशन वगैरह उसमें चीज़ों को अरेंज करना हो, ये सब चीज़। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको अंदर से बिल्डअप कर देंगे SSB के लिए। तो ये कहना गलत है कि मेरी SSB आए उससे मैं 1 महीना पहले तैयारी करूँ तो मेरा SSB क्वालिफाई हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बंदे सोचते हैं कि ऐसा, बहुत से बंदे उनका मैंने इंटरव्यू देखा जो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ तैयारी नहीं की और मैं गया और मेरा क्वालिफाई हो गया, भाई ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कोचिंग में नहीं करी होगी, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पहले से डेवलप होती आ रही है, और वो उनकी पर्सनैलिटी इतनी काफ़ी थी कि भाई SSB को क्वालिफाई कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप ये सोच लेते हो कि मेरे को NDA की प्रिपरेशन करनी है, तो आप तभी से अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना स्टार्ट कर दो, और कोचिंग SSB की मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि आप कितना परफॉर्म अभी कर रहे हो, और जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं वो आपको बता देंगे भाई इस तरह से प्रिपरेशन करनी है और इस तरह से आपको SSB में जाके परफॉर्म करना है।
सर ये तो हुआ आपका इंडिया का जर्नी के बारे में आपने बताया अपने व्यूवर्स को सर, तो इसके अलावा भी आपने मतलब क्या कहीं पे आपने ये जो नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम होते हैं जो सोल्जर पोस्ट पे होते हैं या फिर आर्मी की जो भर्तियाँ होती है, क्या आपने इनका कभी एग्ज़ाम दिया है? नहीं सर, मैंने आर्मी की कोई रैली नहीं दी, लेकिन मैंने इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप और इंडियन नेवी डबल एस एस आर के एग्ज़ाम दिए हैं और उनको मैंने क्वालिफाई भी किया है। लेकिन मेरा ड्रीम ऑफिसर बनने का ही था, इसलिए मैंने सोल्जर की जो जॉब थी वो ज्वाइन नहीं की और मैंने ऑफिसर रैंक पे ही जाने का सोचा। तो मैंने उस टाइम जब मैं एनडीए का मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया था तो उस टाइम भी मैंने फॉर्म फिल किए थे एयरफोर्स वगैरह के, तो उस टाइम मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो जैसे मेरा ड्रीम ऑफिसर बनने का ही था, इसलिए मैंने अभी सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और सीडीएस को भी क्वालिफाई किया। तो मेरा एम तो यही है कि ऑफिसर बनने का, और देखते हैं कि लाइफ कहाँ जाती है, लेकिन प्रिपरेशन अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि ऑफिसर रैंक की मैं ज्वाइन करूँ। डिफेंस एस्पिरेंट कोचिंग लेना चाहता है तो आप उसे मतलब कौन सा टीचर रिकमेंड करना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया पहले कि रियल में जो स्ट्रेटजी है एनडीए की वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो उस स्ट्रेटजी में मैंने क्या बताया कि जो आपका जीएटी का पार्ट है जो सेकंड पेपर होता है उसकी आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसके लिए आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आप किस टीचर को रिकमेंड करोगे, तो एक सर है नीरज बैसला सर, वो एनडीए के लिए पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, तो उनकी जो ट्रिक्स हैं भाई वो बहुत ही शानदार ट्रिक्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप रियल में 120 क्वेश्चन में से 90 प्लस इजीली क्वालिफाई कर देंगे, इजीली सोल्व कर देंगे क्वेश्चंस को, और आप रिटर्न को क्वालिफाई कर पाएंगे। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया है सीडीएस का, और अभी आप उसकी उसका एसएसबी भी आने वाला है, और जैसा कि मतलब देखने के चारों तरफ कोरोना वगैरह का फैला हुआ है तो कोई इधर उधर जाके कोचिंग भी नहीं ले सकता, तो आप मतलब किस क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, जैसे कोरोना चल रहा है तो अभी कहीं भी कोचिंग ओपन नहीं है और कोई भी कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकता। मेरी जो स्ट्रेटजी है क्या है कि जब मैंने एनडीए के टाइम पे एसएसबी की कोचिंग ली थी तो उसके जो नोट्स मैंने बना रखे थे वो मेरे पास रखे हैं, और जो अकेडमी के जो सर ने नोट्स दे रखे थे कर्नल सर ने, तो वो नोट्स रखे हैं, और जो भी अभी करंट अफेयर जो करंट इवेंट्स हैं मैं उनको लगातार फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ यूट्यूब चैनल से उनसे पढ़ रहा हूँ, तो करंट तो मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, और जितने भी साइकोलॉजी वगैरह है और पर्सनल इंटरव्यू उसको मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ। जी सर, तो और सर एक क्वेश्चन, जो व्यूवर्स होते हैं फिर डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में ये होता है कि एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़्यादा आसान है कि सीडीएस क्वालिफाई करना आसान है, क्योंकि बस डिफरेंस यहाँ पे आता है कि सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो आपका कौन सा मानना है कि एनडीए क्या क्रैक करना ज़्यादा इजी है कि सीडीएस को? मेरे हिसाब से एनडीए को क्रैक करना आसान है, क्योंकि एनडीए में जीएटी का जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, लेकिन सीडीएस में वही क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेते हैं जीएटी में तो आपके मार्क्स क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगी, लेकिन वही सीडीएस में बहुत कम दिखेगी। और जो कट ऑफ है वो एनडीए को क्वालिफाई करना आसान है, क्योंकि कट ऑफ उसकी जो होती है वो लगभग 350-400 करीब जाती है, वहीं सीडीएस की कट ऑफ जाती तो कम है, लेकिन उतनी कट ऑफ पर पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। जहां मैथ जनरल स्टडीज़ या जनरल साइंस की बात है तो जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस लगभग सेम ही होते हैं, बस थोड़ा फिजिक्स एनडीए में ज़्यादा आता है, मतलब लेवल ज़्यादा आता है, और सीडीएस में लेवल कम आता है फिजिक्स का। और मैथमेटिक्स में डिफरेंस ये है कि सीडीएस में मैथमेटिक्स 10th तक के लेवल का आता है और एनडीए में 11th और 12th का आता है, बस ये डिफरेंस है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि आसान कौन सा, तो मेरे हिसाब से एनडीए का एग्ज़ाम आसान है क्वालिफाई करना। सर तो और बस ये वीडियो बस ख़त्म ही होने वाला है, तो सर जाते जाते मतलब कुछ गोल्डन टिप्स बता दीजिए जो एस्पिरेंट्स है कि उनको काफ़ी हेल्पफुल हो गोल्डन टिप्स। तो अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर सक्सेस मंत्र बता दीजिए अपनी तरफ से कि हम कैसे, जैसे अभी एनडीए सेकंड 2021 जब भी होगा, कोरोना चल रहा है अभी तो, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जब भी पॉसिबिलिटी बनेगी उसकी, तो उसके लिए मेरा सक्सेस मंत्र यही है कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद
मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप 2010 से क्वेश्चंस को उठा लीजिए, 2010 से क्वेश्चंस को उठा के और आप 2020 या 21 में जो फर्स्ट एनडीए फर्स्ट 2021 हुआ है वहाँ तक के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। मैथमेटिक्स में तो इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, वो बहुत रहेगा आपके लिए। और भी अपनी अगर आप प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो कोई मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लगभग एग्ज़ाम से पहले अगर 20 से 30 आप मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप जनरल स्टडीज़ को, जनरल साइंस को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, जैसे 2010 से 2021 तक के जितने भी एनडीए के पेपर हुए हैं उनको उठा लीजिए और उनके हर एक क्वेश्चन को पढ़िए। हर एक क्वेश्चन में जितने चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो जो उसका आंसर है वो तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीन ऑप्शन उसके साथ में क्यों आए हैं, इसका क्यों पढ़ लीजिए। अगर आपने इस चीज़ का तीनों ऑप्शन से क्यों पढ़ लिया तो ये मान लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। तो एक क्वेश्चन के एक जो आंसर है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तीन ऑप्शन का क्यों और पढ़ लीजिए तो उस एक क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ऐसे अगर आपने तैयारी की तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आप रियल में एनडीए सेकंड 2021 में सिलेक्शन ले जाओगे। दूसरी बात, आप ये सोचते हो कि सर मैं टेस्ट वगैरह कैसे दूँ प्रीवियस ईयर के, तो एक एग्ज़ाम net.com से एक साइट है, उनकी प्ले स्टोर पे ऐप्स भी हैं एनडीए की भी, सीडीएस की भी और सीएपीएफ, ऐसे बहुत सारे डिफेंस के उनके ऐप्स हैं तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी एक इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी हैं, उनकी भी पूरी ऐप है। तो अगर आप उस पूरी ऐप से जितनी भी इंग्लिश के जैसे कॉमन एरर दे रखे हैं, एंटोनियम सिनोनियम सब चीज़ दे रखी हैं, उसमें आप उन चीज़ को कवर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में इतना अच्छा परफॉर्म कर लोगे कि भाई अगर आपके इंग्लिश में 50 क्वेश्चन जैसे एनडीए में आते हैं तो आप 40 क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे बिना कुछ गलती किए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है और प्लस मॉक टेस्ट अगर आप दे पाते हो तो मेरी तरफ से गोल्डन रूल यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट कीजिए। सर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। सर ने जितने भी मतलब वेबसाइट के लिंक बताया फिर ऐप के जो लिंक बताया वो सारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए जाएंगे, तो आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ हिमांशु सर का इंटरव्यू ख़त्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। और सर ऑल द बेस्ट फॉर योर सीडीएस एग्ज़ाम। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिमांशु सर का इंटरव्यू ख़त्म होता है। तो आप वन शॉट डिफेंस एकेडमी चैनल को वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को बढ़ाने में मदद करिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए, जो आपको लगता है कि मुझे जानना है कि प्रिपरेशन के लिए या फिर SSB में क्या होता है, या फिर कोई और डाउट, या फिर आप चाहते हैं कि कोई और एयरफोर्स के किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाए या फिर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कि और ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ और वीडियोज़ आपके लिए आते रहे, तो जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसी के साथ जय हिंद।